नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। इस समय पर कोरोना वैश्विक महामारी काफ़ी तेज़ी के साथ पांव पसार रही है और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है, काफ़ी सख्ती से पालन किया जा रहा है। लेकिन हम यहां पर दिखा रहे हैं, आपको पिछले दिन भी दिखाए थे लॉकडाउन की खबरें, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, क्षेत्रों में जाके कवरेज करके दिखा रहे हैं। तो वर्तमान में हम इस समय पर सीधी जिले के हटवा बरहा टोला बाज़ार में मेन मार्केट में खड़े हुए हैं और वहाँ से हम आपको पूरी वस्तु स्थिति दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी बहुतायत संख्या में यहाँ पर लोग हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि मास्क तो अधिकतर लोग लगाए हुए हैं, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। और अभी आपने ये भी देखा कि यहाँ पर पुलिस की टीम भी यहाँ पर आई हुई है और सख्त पहरा दे रही है, लोगों को हिदायतें दे रही है कि जहाँ तक हो सके तो अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फालतू हम कैमरामैन से अपने कहेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनका यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनका यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर घूम रहे हैं। तो हम आइए हम इसी बाज़ार में हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो आखिर किस वजह से यहाँ पर हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम नसीर मोहम्मद। नसीर मोहम्मद, तो कुछ काम से आप यहाँ पर आए थे कि बस ऐसे ही? हम सब सामान लेने आए। क्या लेने आए? हाँ, सब्जी तरकारी लेने। कोरोना मास्क आप बांध लीजिए, पहले मास्क बांध लीजिए। ये बताइए, कोरोना फैला हुआ है आप जान रहे हैं? कोरोना फैला नहीं है, अनेरे भौसा मचाए हैं। मतलब आपको अभी विश्वास नहीं है? नहीं, कोई विश्वास नहीं। चलिए, ये सज्जन है ये तो ये कहने कह रहे हैं कि कोरोना अभी नहीं है, तो इनका कोरोना पर कोई विश्वास नहीं है। इतनी बड़ी आपदा देश पर आई हुई है, जैसे जूझ रहा है उससे, और ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। हम और सज्जन से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राम सिंह पटेल। यहीं से हैं आप जी? किस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए थे? किस उद्देश्य से? हमारा ही पर मकान है। यहाँ पर मकान है जी, जी। तो मतलब बस आप ऐसे ही टहलने के उद्देश्य से यहाँ पर निकला? जी जी। मास्क पहन लीजिए। तो मतलब ये कहने का, अच्छा कोरोना आप मानते हैं? नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। देखिए, हटवा बरहा टोला के हम पिछली बार भी हम आपको लगातार खबरें दिखाए थे, अब भी खबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग कोरोना जैसी महामारी को मानने के लिए तैयार नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? बाल गोपाल गुप्ता जी। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये जो सिस्टम चल रहा है हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। सिस्टम क्या? सिस्टम में जो कोरोना काल चल रहा है, ये बिल्कुल हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा चल रहा है। मतलब ये लोग आप जबरदस्ती लॉकडाउन का पालन? बिल्कुल, मोदी जी ने तो लॉकडाउन नहीं किया है, पर राज्य सरकारें हमको लोगों को मारे डाले रही है। जी, मोदी सरकार तो नहीं कर रही है, मोदी सरकार तो राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया लॉकडाउन मत लगाइए, लॉकडाउन मत लगाइए, लेकिन पता नहीं है राज्य सरकारें कर रही हैं। आप व्यापारी हैं? जी, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, आम पब्लिक भी हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन की वजह से आपका धंधा कहीं बिल्कुल चौपट है? भैया करते हैं आप? हम बताते रहे, किसानी भी करते हैं, थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं। हमारे कहने का मतलब है, आप दुकान खोले हैं? जी, किस चीज को आप दुकान खोले हैं? जी, हम तो आपको क्या बताएं, हमारा थोड़ा बहुत हम ये आपका खाना पीने का मिस्त्री भी हैं, वो भी हमारा चौपट है। यानी दिन भर में आपकी 200-400 रुपए की इनकम? अरे भैया, 1000 रुपए की इनकम थी, वो भी जो है तो ठप हो गई है, तो बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो इनका ये कहने का मतलब है कि ये जो धंधा है हमारा चौपट हो गया है। हालांकि वैश्विक महामारी तो पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन हटवा बरहा टोला की हम बार बार आपको खबर इसलिए दिखाते हैं कि यहाँ के ऐसे लोग हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर कोरोना का किसी भी प्रकार का यहाँ पर कहर है। पुलिस भी लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। यहाँ पर एक सब्जी वाले हैं भैया, हम उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या समस्याएं हैं। ये अपनी कुछ समस्याएं अभी बता रहे थे। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा लाल जी कुशवाहा सर, ग्राम है आपका? ग्राम खाड़ी। खाड़ी में जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप कितने की सब्जी बेच लेते हैं? सब्जी सर 200-400 को बिक लेते हैं जी। प्रतिदिन बेच लेते? प्रतिदिन बिक लेते हैं। कोरोना काल में आपको क्या दिक्कत है? कोरोना काल में सर दिक्कत ये रही है कि जो ना वहाँ गाँव, जहाँ हमारा घर है तो गाँव है नहीं, गाँव तो ही है, गांव आने के लिए यहीं बाजार आना पड़ता है सर। हाँ। तो अब आपको क्या दिक्कत जा रही है? दिक्कतें जा रही है सर, अब लॉकडाउन के कारण दुकान नहीं लगाने पड़ता है, इसलिए तो कहीं कहीं पेट पालने में समस्या जा रही है। और का सर, आप इन्हें बीकी सर लड़कियाँ का खा? चलिए, इनकी सबसे बहुत अच्छा इन्होंने अपना पक्ष रखा कि आखिर हम ठीक है, हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कहीं कहीं पापी पेट का भी सवाल होता है। इनका भी अपना कहना है कि जब हम अपना पेट नहीं पालेंगे, सब्जी नहीं बेचेंगे, तो कैसे हम करेंगे। हमारे साथ
यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार पुलिस के द्वारा भी सख्ती की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ कमरजी थाना के नवागत थाना प्रभारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके द्वारा यहाँ पर कोरोना नियमों को कितनी सख्ती की जा रही है और कौन कौन से मानकों का पालन करा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि यहाँ पर लोग काफ़ी एकत्रित हैं, हमने अभी लोगों का स्टेटमेंट भी लिया, मुझे कह रहे हैं कि हम बस ऐसे ही घर से निकला है, यहीं पर घर है तो हम यहाँ पर निकल आए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर सर फालतू भागते मिले, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं है, हम कोरोना को नहीं मानते हैं, ये तो अपना उनका व्यक्तिगत कथन हो गया, लेकिन सर जो फालतू घूम रहे हैं तो उनके बारे में सर क्या कहें? ये तो प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी होती है कि वह अपनी सुरक्षा करे। शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें यही कहा गया है कि हर व्यक्ति स्वतः पालन करें और नियमों को पालन करते ही सुरक्षित रहें। लोगों को कई बार अनाउंस भी किया गया है, समझाया भी गया है, क्योंकि शासन के निर्देश हैं कि केवल समझाइश दी जाए और दो गज दूरी मेंटेन करते हुए उनको अनाउंस करते हुए जागरूक करना है। इस तरह से हम नियमों अनुसार उनको समझाते हैं और अपील करते हैं। नहीं वो तो है सर, पुलिस को देख करके दूर चले जाते हैं, जाने के बाद फिर आ जाते हैं। तो सर यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना, अपने यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है, हम कई बार यहाँ की खबर दिखा चुके हैं कि लोग ये कहते हैं हम कोरोना को मानते नहीं हैं, वो तो हम मानते हैं, उनका अपना स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ये कहते हैं कि मतलब हम फालतू बाहर घूमने के उद्देश्य से आए हैं, तो सर ये तो थोड़ा अनैतिक रूप से हुआ ना। ये उनकी खुद की समझदारी है, हम लोग उनको बार बार समझाइश दे रहे हैं, जिस दिन सख्ती के आदेश हो जाएंगे उस दिन नहीं घूमेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने अभी देखा कि हमारे साथ कमरजी थाना के थाना प्रभारी राम सिंह जी अभी जुड़े थे और उन्होंने कहा कि लोगों को काफ़ी समझाइश दी जा रही है कि अपने घरों में रहें, दो गज दूरी, मास्क जरूरी, जो COVID-19 के मानक हैं उनका पालन करने के लिए बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहें प्रथम न्यूज, मैं अमर द्विवेदी।